नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर पर किए गए ट्वीट्स को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर अब विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। ट्वीट को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब थरूर को समन भेजा और ट्वीट को अपमानजनक बताया है। आपको बता दें कि इस ट्वीट पर ट्रोल होने के बाद शशि थरूर ने बाद में माफी मांग ली थी। वहीं इससे पहले शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा था कि नोटबंदी में कितनी बड़ी गलती हुई है, ये बीजेपी को समझना चाहिए कि भारत की नकदी दुनिया में श्रेष्ठ है। देखिए, हमारे चिल्लर तक को मिस वर्ल्ड का खिताब मिल गया। जिसके बाद NCW ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय महिला आयोग शशि थरूर को आयोग के सामने हाजिर होने के लिए समन भेजेगा। उन्होंने देश के लिए गर्व मानुषी छिल्लर के अपमानजनक ट्वीट का इस्तेमाल किया है। मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर मानुषी देश के लिए नाम और सम्मान लाई है। इसके बाद थरूर ने अपनी सफाई में कहा कि ट्विटर और फेसबुक के जरिए से लोगों से शांत होने का आग्रह किया। थरूर ने कहा, आज एक मजाकिया ट्वीट ने जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनसे माफी, बेशक इसमें प्रतिभावना मानुषी को अपमानित करने की मंशा नहीं थी, मैंने उसकी तारीफ अलग से की है, कृपया शांत हो जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।